हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की मैथ। इसे 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रीवियस वीडियो में 11.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कवर करा चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं पढ़ पाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप सभी क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज की इस 11.2 में भी हम आने वाली वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 11.2 से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन पे द स्क्वायर एल ई ए डी विथ एल ई इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या करना है कि एक हमें स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है जिसमें एल ई दिया गया है 6.3 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर शेप आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कैसे, यहां पर देखिए जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह स्क्वायर शेप बनता है और इस सभी साइड इक्वल होती है। देखिए ऐसे यहां पे 6.3 कहा गया, इसका मतलब 6.3 ये भी होना चाहिए, 6.3 ये भी होगी, 6.3 ये भी होगी और 6.3 ये भी होगी। तो इस तरह करके जो इक्वल साइड का एक शेप बनाते हैं उसी शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। तो कैसे हम ड्रॉ करने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में दो क्वेश्चन लेने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कवर करिए और इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं तो बहुत ध्यान से कवर करिए। देखिए यहाँ पे एल ई इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर का आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एक सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए 6.3 सेंटीमीटर की और लिख लीजिए एल ई। यहाँ पे देखिए नोट कर रहे हैं 6.3 सेंटीमीटर। तो आप एल ई पहले ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, रूलर ले लीजिएगा और पेंसिल से 0 से लेकर 6.3 तक एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास पेंसिल वगैरह नहीं है, उससे नहीं बना पाएंगे, तो देखिए स्केच से हेल्प करके बना रहे हैं। तो आप जैसे जैसे बताते चले, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी करिए और जैसे जैसे स्टेप बताते हैं अपनी कॉपी पर उसी तरह से बनाते चलिए, तो बिल्कुल कंप्लीट फिगर आपको बन जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आपको आ जाएंगे। तो एल ई ड्रॉ करना है रूलर और पेंसिल के हेल्प से, 0 से लेकर 6.3 तक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई। देखिए जब भी स्क्वायर शेप बनाए या रेक्टेंगल के शेप बनाते हैं तो उसमें 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर दोनों में आप एल से भी और ई से आप 90 डिग्री एंगल बना लीजिए। 90 डिग्री एंगल पहले भी पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो आप प्रोटेक्टर रखिए, प्रोटेक्टर रख के भी डायरेक्ट आप यहां पर जैसे मान लीजिए प्रोटेक्टर रखेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आ जाएगा। तो 90 मान लीजिए सपोज करते हैं यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को आप क्या कर देंगे, फिर मेजर कर देंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। और कंपास के हेल्प करके बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसे में यहां पर देखिए एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं, एल से हमने ड्रॉ कर दिए, जो आर्क रहेगा वही आर्क से यहां पर कट करते हैं और इसी आर्क से एक यहां पर कट कर देते हैं, वही आर्क से बिल्कुल सेम एक ऊपर कट करते हैं और इसी आर्क से एक यहां पर कट करते हैं। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिस छोटा सा आर्क ले लीजिए एल से पहले ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद यहां से कट करेंगे और इसके बाद यहां से फिर कट कर लेंगे, उसी आर्क को फिर ऊपर कट करेंगे और इससे इस पॉइंट से फिर एक आर्क यहां पर कट करेंगे। तो ये पेंसिल और कंपास की हेल्प से 90 डिग्री एंगल आप यहां पर बना देंगे। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री एंगल यहां पर भी हो गया और 90 डिग्री एंगल यहां पर, मैंने दोनों पढ़ा दी, इसीलिए इसे प्रोटेक्टर से आप बना सकते हो इस तरह, ये कंपास से, दोनों मैंने आपको बता दिए। तो यहां पर देखिए इस तरह आपको 90 डिग्री एंगल बना लेने। इसके बाद क्या करना होगा, देखिए क्योंकि स्क्वायर साइड अभी मैंने बताया कि सभी साइड इक्वल होती है, तो आप क्या करिए कि ये जो दी गई इसी को कंपास से, कंपास और पेंसिल से यहां पर इसको पहले मेजर कर लीजिए, इतना आर्क यहाँ पे सेट कर लीजिए, जो आर्क सेट करेंगे उसी ई पॉइंट से एक यहाँ पे कट कर दीजिए और उसी पॉइंट को एक लगभग एल से यहाँ पे कट कर दीजिए। यानी दोनों जो आर्क आपने सेट किया 6.3 सेंटीमीटर का वो ई से यहाँ पे कट करोगे और एल से भी यहाँ पर कट करेंगे, जहां पर कट होंगे उनको मेजर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए एल ई हो गया है और ए डी का है, तो ए डी इसको मान लीजिए, तो एल ई ए डी इस तरह का पूरा स्क्वायर शेप हो गए। जो आपने लाइन यहां पर दी हुई यहां पर लिख भी दीजिए 6.3 सेंटीमीटर, यहां भी लिख दीजिए 6.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, दैट इज अ राइट आंसर। और ये कंप्लीट फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये स्क्वायर शेप बनाना बिल्कुल इजी था और इस तरह आप स्क्वायर शेप बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन और लेने वाले, तो उस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए जिससे ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। रोम्बस चैप्टर, रोम्बस रिलेटेड कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे आपको।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर टू यहाँ से क्या कह रहे हैं। और इसमें देखिए रोम्बस बनाना है ABCD, जो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सभी स्टेप्स एक एक स्टेप्स को क्लियर करिए। वीडियो बिल्कुल आगे मतलब स्किप करके बढ़ाते चलिए, सभी स्टेप बिल्कुल एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिए, तभी ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो। और जैसे स्टेप आपको बताते जाए अपनी कॉपी पर भी आप इस तरह फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक रोम्बस बनाने के लिए कहा गया। रोम्बस शेप कैसे होता है, बिल्कुल सेम स्क्वायर जैसे देखने को मिलते हैं, उसमें भी आपको इक्वल साइडेस वगैरह मिल जाएंगे, आपको इक्वल शेप आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बहुत तिरछा होता है, तो उस तरह के शेप को आप रोम्बस शेप कहते हैं। इसमें भी आपको ABCD का रोम्बस बनाना है। इसमें टू साइड दी गई, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और AC इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो आप चाहिए वाली लाइन ले लो, थोड़ी सी जो लॉन्ग दिखे वो लाइन आप ले लीजिए, तो ज्यादा अच्छा से स्पीकर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं AC हमने ले ली हुई 7.2 सेंटीमीटर, जो थोड़ी लॉन्ग लाइन लगे उसी को ले लीजिए रोम्बस में, क्योंकि फिगर बनाएंगे थोड़ी और आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब यहां पर क्या करना है, इसलिए एक एक स्टेप पर जरूर ध्यान रखिएगा। क्या करना होगा, आपको कंपास और पेंसिल से ए से ऐसा थोड़ा सा आर्क बढ़ाइए जो आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। क्या करना होगा, ए में आधे से ज्यादा यानी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा आर्क ले लीजिएगा और उस आर्क को यहां कट करेंगे और उसी आर्क को नीचे कट करेंगे, यानी एक ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे, ठीक है। और फिर उसी सेट आर्क जो आर्क में आर्क लिया हो सी पॉइंट से एक यहां पर कट करेंगे और यहां पर कट करेंगे। ये जो कट होगा इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ हो गई। बहुत ध्यान से इसको पढ़े कैसे करना होगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे थोड़ा हाफ से ज्यादा, कंपास में आपने सेट कर लीजिएगा, एक आर्क यहां कट करेंगे ऐसे और एक कट करेंगे नीचे, इसके बाद सी पॉइंट से एक यहां पर ऊपर कट करेंगे फिर नीचे कट करेंगे और उसी लाइन को ड्रॉ करें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये जो लाइन ड्रॉ होगी इसी पर ध्यान रखना कि अब हमें क्या करना है। इसके बाद देखिए AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कहा गया आपसे, तो जो 5 सेंटीमीटर आपको लाइन दी गई है उसी को आप यहां पर राइट कर सकते हैं। देखिए A यहां पर लिखा हुआ है और B यहां पर हो जाएगा, है ना। तो 5 सेंटीमीटर R सेट करिए, पहले आप यहां पर कंपास में 0 से 5 तक का R सेट कर लीजिएगा और ये A से यहां पर कट करिएगा और वही पॉइंट यहां पर आप नीचे कट कर दीजिएगा, यानी आप यहां पर कट करेंगे और जस्ट उसी को नीचे कट कर देंगे, यानी जो आपने R सेट किया हुआ 0 से 5 वह A से यहां पर कट करिएगा और वही आर्क बिल्कुल A से फिर नीचे कट कर दीजिएगा। ये जहां पर भी कट होंगे उनको आप इस तरह मैचिंग कर दीजिएगा, मैच कर दीजिएगा, यानी ज्वाइन करना है, ठीक है। इनको ऐसे ज्वाइन करो, फिर ये लाइन ऐसे ज्वाइन करिए और ये लाइन थोड़ी सी ऐसे ज्वाइन करिए। तो ये देखिए फिगर बन गया, ये था 5 सेंटीमीटर जो हमसे कह रहा था AB लिख लो, AC हो गई, इसको D मान लीजिए, ठीक है। तो ये रोम्बस का शेप आपका कंप्लीट। बस इस तरह बनाने से बिल्कुल इजीली है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, हाफ से ज्यादा थोड़ा आर्क लेना, एक ऊपर एक नीचे कट करना, वही सी पॉइंट से कट करिएगा, मिला दीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। AB कहा गया 5 सेंटीमीटर, देखिए AB हमें मिलना था तो A के लिए हमने पहले R सेट कर लिया, उसको कट कर दिए, एक ऊपर एक नीचे कट कर देंगे, इन सभी को ज्वाइन करिएगा तो एक रोम्बस शेप आपका क्लियर। इसी तरह शेप्स आपको बनाने थे, तो आई होप ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि शाम को लगभग 6 बजे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल में, आप उसे तुरंत क्लिक करके उसे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हो क्लास 8 के उनको जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम आपको और पढ़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।